हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पापड़ी बनाएंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है, कपड़े की विड्थ 9.5 इंच है और इसकी पूरी लंबाई 21 इंच है। यहाँ पे हम 1 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए रखेंगे और ऐसी ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 10 इंच पे मार्क लगाएंगे अपनी स्लीव लेंथ के लिए। इस साइड में भी हम 10 इंच पे मार्क लगा लेंगे और नीचे के साइड में हम 3 इंच पे डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले लेंथ वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम आधी लाइन बना लेंगे अपना आर्म होल का शेप देने के लिए। इसमें हमें पहले अपनी रेगुलर स्लीव जैसी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हमें अपने आर्म होल फिटिंग का मार्क लगाना है, तो मेरा यहाँ पे आता है 9 इंच। इसके बाद हमें 10 इंच एक्स्ट्रा रखना है स्लीव का पप देने के लिए। अब हम यहाँ पे एक मार्क 6 इंच पे कर लेंगे और एक मार्क 5 इंच पे कर लेंगे। ऐसे हमें 2 मार्क लगा लेने हैं। अब ऊपर के साइड में हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर से हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब इसको ऐसी गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें लाइन के बाहर से स्लीव का शेप देना है, तो ये हम जहाँ पे हमने 6 इंच का मार्किंग किया था वहाँ पे जॉइन करेंगे। अब इसको हम अपने आर्म होल के फिटिंग के माप से मिला लेंगे। पहले हमने ये कर्व ड्रॉ कर लिया, करीबन ये इस लाइन को 4 इंच पे जॉइन करता है, और इसके बाद में हमने लाइन को बाहर से शेप दे दिया। इससे आपके स्लीव का शेप प्रॉपर आएगा और आप ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगे। स्लीव के बॉटम में हम फिटिंग के लिए 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिंग रखेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारी फिटिंग की लाइन आएगी। अब हम मार्किंग के हिसाब से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब जो ये लेंथ वाली लाइन है हमारी, इस लाइन के हिसाब से हम दूसरी साइड में भी मार्क कर लेंगे। यहाँ से ऊपर के साइड तक हमारी ऐसी प्लेट्स आएगी। यहाँ से नीचे के साइड में हमें प्लेट्स नहीं लेनी है। कपड़े को हम सेंटर में ऐसा ट्रेस करके एक मार्क बना लेंगे। यहाँ पे मैं स्लीव के सेंटर में इलास्टिक लगाऊंगी। इससे स्लीव अच्छी दिखती है और ये पफ स्लीव में अलग पैटर्न बन जाता है। इलास्टिक के लेंथ हमें 5.5 इंच लेनी है। ये हमारे स्लीव का सेंटर है। सेंटर में हमें ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर इलास्टिक को लगाना है। इलास्टिक को हमें ऐसे खींच के लगाना है। मैं इलास्टिक को ऐसा सेंटर में रख के इस पे सिलाई लगा लूँगी। इलास्टिक लगाते समय हमें बड़ी सिलाई लगानी है, यानी 5 नंबर की सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। इलास्टिक लगाने के बाद इसका लुक ऐसा आएगा। अब हमें इस मार्किंग तक प्लेट्स बनानी है। हमें स्लीव के सीधी साइड में प्लेट्स बनानी है, ताकि जो हमारे 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस रहता है, यानी जो गैप रहती है, वो सब प्लेट्स में एक जैसी आनी चाहिए। अब ये हमारे स्लीव का सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम प्लेट्स का डायरेक्शन इस तरफ करेंगे और आधी साइड की बची हुई प्लेट्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल को चेक करेंगे, उसके हिसाब से हमें प्लेट्स बनानी है। मेरा यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट 10.5 इंच बराबर आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप 1-2 प्लेट्स खोल सकते हो, और अगर कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आपको और 1-2 प्लेट्स बनानी होगी। अपने आर्म होल के हिसाब से हमें प्लेट्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब हम स्लीव के बॉटम को ऐसा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
अब हमारी स्लीव रेडी है। इसको हमें ड्रेस में अटैच करके साइड सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।